हाय दोस्तों, अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, क्या आप इंटरडे ट्रेडिंग के माध्यम से आप प्रॉफिट कमा पाओगे? दोस्तों, अगर आप इंटरडे पे प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो ये वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो के माध्यम से हम इंटरडे ट्रेडिंग करने के लिए हमको बेसिकली क्या क्या रूल फॉलो करना चाहिए उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज हमेशा बताना चाहूंगा। अगर आप अभी नया नया मार्केट को आए हो और आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक चीज हमेशा आपको ध्यान पे रखना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग पे सबसे ज्यादा रिस्क रहता है। और अगर आप नया नया ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा आपको कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है। अगर आप एक्चुअली इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो पहले आपको मार्केट के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप मार्केट के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बार आपको मार्केट के बारे में नॉलेज आ गया, उसके बाद आप धीरे धीरे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि देखिए विदाउट नॉलेज पे अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए आ जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगा। क्योंकि ट्रेडिंग का टाइम पे अगर आप गलत डिसीजन लोगे, गलत डिसीजन मतलब अगर आप गलत स्टॉक को सिलेक्ट करोगे या मार्केट जिस दिशा पे जा रहा है अगर आप पहचान नहीं पाओगे तो आपको नुकसान होने का चांस ज्यादा रहता है। इसीलिए अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, आपको पहले मार्केट के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे दो फैक्टर के बारे में आपको बताया। पहला फैक्टर है रिस्क मैनेजमेंट, सेकेंड चीज आ गया नॉलेज। क्योंकि विदाउट नॉलेज पे आप कोई भी प्रोफेशन को जाइए, आपको वहां पे प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट को ट्रेडिंग करने के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक प्रोफेशन जैसा सोचना पड़ेगा। हो सकता है आप उसको पार्ट टाइम या फुल टाइम की तरह ले सकते हो, लेकिन इसको पार्ट टाइम या फुल टाइम कोई भी प्रोफेशन मान के आपको सीरियस होकर काम करना पड़ेगा। और देखिए, मार्केट पे काम करने के लिए आपको भी थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको खुद सीखना पड़ेगा। और स्टॉक मार्केट में जानने के लिए बहुत सारे किताब भी अवेलेबल है, तो आप वो किताब को पढ़ सकते हो। जब आप धीरे धीरे मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज गेन करोगे, आपको ट्रेड करना आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप अभी नया नया आए हो, आपको सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग ही करना है। आप चाहे तो स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो देखिए, स्विंग ट्रेडिंग मतलब जो हम बेसिकली एक से दो हफ्ते तक बाय करके होल्ड करके रखते हैं, और जो पोजिशनल ट्रेडिंग होता है, हम बेसिकली जो भी हम ट्रेड लेते हैं उसको 3 महीना तक होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, मैंने और एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप मार्केट पे काम करना चाहते हो और अच्छा खासा डिसेंट इनकम जनरेट करना चाहते हो तो आपको ऑप्शन बाइंग करके ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऑप्शन बाइंग पे मैक्सिमम टाइम लॉस होता है, और मैंने ये चीज खुद एक्सपीरियंस करके भी देखा है। अगर आप अभी अभी नया नया मार्केट को आए हो और आप कोई भी ऑप्शन को बाय कर लिए तो हो सकता है कुछ टाइम आपको ऑप्शन पे बहुत बड़ा मुनाफा मिल जाए। इसीलिए आप हमेशा चाहोगे कि मैंने बार बार ऑप्शन बाइंग करके छोटा कैपिटल इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा मुनाफा कमाऊं। लेकिन देखिए, ऐसे हर बार नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम आउट ऑफ 10 अगर आप लोगे, 8 टाइम्स आपका देखना लॉस होगा। अगर आपकी किस्मत अच्छा है और आप 6 to 7 टाइम प्रॉफिट भी कमा लिए, जो 3 to 4 टाइम्स आप जो लॉस करेंगे, आप नेट नेट हमेशा लॉस पे रहेंगे। इसीलिए दोस्तों, ऑप्शन बाइंग करके ट्रेड करना आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ऑप्शन बाइंग पे क्या होता है, हमको सिर्फ छोटा सा कैपिटल पे प्रीमियम बाय करने के लिए मिल जाता है, इसलिए हम जनरली बाय कर लेते हैं। और ऑप्शन बाइंग करने के बाद अगर मार्केट उसी दिशा पे नहीं गया, आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो बहुत जल्दी जल्दी घट जाएगा। और अगर देखिए उसी दिशा पे नहीं जाएगा, अगर मार्केट साइडवाइज भी हो जाएगा, तो टाइम डिके के वजह से वो ऑप्शन का प्रीमियम ही घट जाएगा। इसीलिए दोस्तों, आपको जितना हो पाए आपको ऑप्शन बाइंग अवॉइड करना चाहिए। तो हम यहाँ पे 3 चीज के बारे में बात किए। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको पहला चीज रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, सेकंड पे आपको ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहिए, मार्केट के बारे में नॉलेज गेन करना चाहिए, और थर्ड पे आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए। और हम फोर्थ पॉइंट क्या देखेंगे, देखिए, अगर आपको खुद को ट्रेडिंग नहीं आता है लेकिन आप फिर भी मार्केट पे ट्रेड करना चाहते हो, आप और एक चीज कर सकते हो, जिसको ट्रेडिंग के बारे में अच्छा नॉलेज है, आप उनसे सलाह ले सकते हो। तो दोस्तों, ट्रेडिंग करने के लिए बेसिकली आपको ये सारे चीज फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, एक्चुअली अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेज करके, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ अगर आप ट्रेड करते हो,
आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो पाएगा या नहीं, उसके लिए मैंने आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल देने जा रहा हूँ। दोस्तों मैंने एक निफ्टी फ्यूचर का इंट्राडे पेड सर्विस का ग्रुप शुरू किया है, जिस ग्रुप पे मैंने निफ्टी का ट्रेंड के हिसाब से और निफ्टी फ्यूचर के ऊपर हमको किसी लेवल पे बाय करना है, कौन सा लेवल पे सेल करना है और हमारे टारगेट कहाँ पे रहेगा, ये डिटेल्स मैंने शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये हफ्ते मैंने जो भी ट्रेड दिया था उसका रिजल्ट कैसा रहा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों ये रिजल्ट शेयर करने से पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो और हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने मार्केट रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों ये हफ्ते का रिजल्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये पेड सर्विस का रिजल्ट के बारे में जानने से पहले मैंने आप लोगों को ये पेड सर्विस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो बेसिकली हम डेली एक कॉल ही देते हैं, अगर किसी भी दिन एक कॉल पे नुकसान हो जाता है तो हम और एक कॉल शेयर करते हैं। तो डेली हमारा जो कॉल रहेगा मैक्स टू मैक्स दो कॉल ही रहेगा, और वो दोनों कॉल पे हम एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस, ये तीनों चीज शेयर करेंगे। और देखिए दोस्तों, हमारा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रहता है 1:2 का रहता है, और हम ये पेड सर्विस के लिए मंथली 4000 चार्ज कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 50,000 का कैपिटल का एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है तो आप दो लॉट पे इंट्राडे पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल है, बहुत सारे ब्रोकर आप लोगों को अलाउ करेंगे कि 3-4 लॉट लेके भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन देखिए हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हम बेसिकली दो लॉट पे ट्रेड करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ग्रुप पे ज्वाइन करना है तो मैंने मेरा व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये हफ्ते का मैंने जो जो ट्रेडिंग के लिए दिया था और इसका रिजल्ट कैसा रहा उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों मैंने 25 मार्च को निफ्टी के ऊपर सेल के लिए बताया था, और इसी ग्रुप के माध्यम पे मैंने जो भी कॉल शेयर कर रहा हूँ उसका जो भी रिजल्ट आता है मार्केट बंद होने के बाद, मैंने कम्युनिटी टैब पे उसका रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ। और देखिए एक लॉट के हिसाब से यहाँ पे 900 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है कि हम 50,000 कैपिटल पे दो लॉट पे ट्रेड करते हैं, और देखिए ये 50,000 कैपिटल अगर आप लोगे तो यहाँ पे 1800 के आसपास आपको प्रॉफिट आएगा। तो चलिए अभी 26 मार्च के बारे में जानते हैं। देखिए 26 मार्च को जो पहला मैंने दिया था निफ्टी का कॉल वो बाय के लिए दिया था, और देखिए यहाँ पे एक लॉट के ऊपर 2100 का नुकसान हुआ था। उसके बाद मैंने थोड़ा वेट किया और निफ्टी का ट्रेंड के हिसाब से वापस और एक कॉल बाइंग के लिए दिया था, और वो कॉल पे हमको 4875 के आसपास प्रॉफिट आया। तो नेट नेट हमारा 2775 का प्रॉफिट हुआ। तो 26 मार्च को हम अगर दो लॉट लेके काम किए तो यहाँ पे 5550 का प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए अभी 27 मार्च का रिजल्ट जानते हैं। 27 मार्च को मैंने निफ्टी के ऊपर बाय के लिए दिया था, और इसी दिन जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो हिट हुआ और 1200 के आसपास नुकसान हुआ है। और देखिए मैंने सेकेंड टाइम बाय के लिए दिया था लेकिन ये एंट्री नहीं आया। तो अगर आप दो लॉट पे लेके ट्रेड करते हो तो आपको उसी दिन 2400 के आसपास नुकसान हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों अभी 28 मार्च के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों 28 मार्च पे मैंने निफ्टी पे बाय के लिए बताया था, और उसी दिन 4650 का प्रॉफिट हुआ। और ये जो प्रॉफिट मैंने बताया है ये एक लॉट का प्रॉफिट है। अगर आप 50,000 कैपिटल के ऊपर दो लॉट पे काम करते हो तो आपको 9300 के आसपास प्रॉफिट हुआ है। और दोस्तों उसके बाद जो 29 मार्च, मतलब आज मैंने बेसिकली ट्रेड नहीं दिया था, मुझे थोड़ा पर्सनल काम था तो मैंने ऑलरेडी मेरा ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दिया था कि आज मैंने ट्रेड नहीं दे पाऊंगा। तो ये हफ्ते हम जो चार ट्रेड किए थे मैंने ये सारे ट्रेड का रिजल्ट एक ही पेज पे लिखा है, चलिए मैंने आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने 25 मार्च को 1800 के आसपास प्रॉफिट हुआ था, और 26 को 5500 का प्रॉफिट हुआ था, 27 को 2400 का लॉस हुआ था, और यहाँ पे 28 मार्च को 9300 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। तो देखिए दोस्तों अगर आप ये सारे रिजल्ट को मिला दोगे तो 14200 के आसपास आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों बेसिकली हम यहाँ पे दो लॉट पे ट्रेड किए तो 14200 के आसपास प्रॉफिट मिला। हो सकता है आपको ये 14200 का अमाउंट बहुत छोटा लगा हो, लेकिन देखिए दोस्तों अगर आप ये कैपिटल के हिसाब से देखोगे ये रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न है। तो यहाँ पे 50,000 कैपिटल के ऊपर ये 28.4% का रिटर्न ये हफ्ते आया है। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे ग्रुप पे ज्वाइन करना है तो मैंने मेरा व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है,
आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम इसी ग्रुप पे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमारा जो मंथली टारगेट रहता है 30-35% या 40% के आसपास हम टारगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रिजल्ट को देख के आपको पता चल रहा होगा, अगर आप एक्चुअली प्रॉपर रूल के साथ आपकी डिसिप्लिन को फॉलो करके ट्रेड करोगे तो आपको नेट नेट हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग पे लॉस नहीं होता है, लेकिन उसी लॉस को कैसे आप मिनिमाइज करोगे और आप कम से कम लॉस करके ज्यादा कैसे प्रॉफिट कमा पाओगे उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ज्यादातर ट्रेड लेते जाओ और आपको ज्यादा नुकसान हो। तो दोस्तों मैक्सिमम जो ट्रेड आप ले रहे हो, मैक्सिमम एक दो ट्रेड से ज्यादा ट्रेड मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये था इसी हफ्ते का निफ्टी पेड सर्विस का रिजल्ट, और इसी रिजल्ट के हिसाब से हमको 28.4% के आसपास प्रॉफिट मिला है।